करीना कपूर को आज बाहर स्पॉट किया गया और इन्हें ट्रॉल क्यों किया गया, मुकम्मल डिटेल्स आपको बताएंगे। इससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जैसा कि आप सब जानते हैं, करीना ने कुछ ही समय पहले अपने सेकंड बेबी बॉय को जन्म दिया था। उसके बाद से करीना चर्चा में है, क्योंकि करीना ने अभी तक अपने सेकंड बेबी बॉय का फेस रिवील नहीं किया और ना ही उसका नेम मीडिया को बताया है। तैमूर की बार नेम रिवील करने पर इन्हें काफ़ी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा था। अब अनुष्का और विराट की तरह करीना ने अपने सेकंड बेबी बॉय को मीडिया से मुकम्मल तौर पर दूर रखा है। चंद दिन पहले करीना के डैड ने बाय मिस्टेक करीना के सेकंड बेबी बॉय की पिक्चर शेयर कर दी थी, जो थोड़ी ही देर बाद डिलीट कर दी गई। करीना अपनी सेकंड प्रेगनेंसी के दौरान भी काफ़ी एक्टिवली काम करती रही थी और बेबी डिलीवर करने के एक वीक के बाद से करीना ने फिर से काम स्टार्ट कर दिया था। और अब करीना फिर से अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर्स में नज़र आने लगी हैं। आज करीना कपूर, करिश्मा कपूर और मलाइका अरोड़ा को मनीष मल्होत्रा के घर स्पॉट किया गया। करीना ने ब्लैक स्लीवलेस ड्रेस पहन रखा था, जिसमें करीना काफ़ी ओवरवेट लग रही थी। इस पर लोगों ने करीना को खूब ट्रॉल किया। कुछ लोगों ने कहा कि करीना अपनी एज से बड़ी लग रही हैं, तो किसी ने कहा कि करीना थर्ड टाइम प्रेग्नेंट हैं। अगर करीना के वर्क की बात करें तो सीता मूवी में ज़्यादा डिमांड करने पर करीना की जगह कंगना को रख लिया गया है और करीना बहुत जल्द लाल सिंह चड्ढा मूवी में आमिर खान के साथ नज़र आएंगी। फैंस करीना और आमिर को एक साथ देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड हैं। आप करीना की आज वाली पिक्चर्स के बारे में क्या कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में बताएं।